ध्रुव मुझे काइंड ऑफ वीक कर रहा है अभी, क्योंकि अब तारा भी फील करने लगी है ध्रुव के लिए धीरे धीरे. एंड ही जस्ट कीप्स आस्किंग व्हाई यू हियर, यू नो, क्यों आई तुम मुझसे मिलने, क्या तुम मुझसे दूर नहीं रह पा रही हो, ऑल ऑफ दैट विच when a girl feels for a boy, I think it becomes a girl's weakness. So even Dhruv is trying to play right now. It's a very nice, very intense scene. I think it's the first time aisa koi scene aaya hai, and where Tara is also seen, like it can be seen that she is a little kind of feeling something for Dhruv. So I can tell you that it's the start of the romance now. I think so, not just yet, क्योंकि अभी तो उसको खुद को कोई अगर उसे पूछ ले कि if Tara likes Dhruv, I'll be like, what? No, you know. So yeah, वो एक denial बोलते हैं ना कि कभी सोचा भी नहीं है इस बारे में, kind of वैसा कुछ होगा वो. सेनापति को तारा से शादी नहीं करनी है, सेनापति को केवल इसीलिए कि वो राजकुमारी है, एंड यू नो ही इज वेरी कंडीशनल एंड उसको बस बेनिफिट्स चाहिए. बट तारा हेट्स सेनापति ऑब्वियसली, इवन मोर नाउ दैट शी नोज एंड शी इज़ गेटिंग टू नो हाउ ईविल ही इज़. बट सेनापति नहीं होंगे तो ड्रामा कैसे होगा, यू नो. वो है तो और ड्रामा एड ऑन हो रहा है, एंड वो बहुत बखूबी निभा रहे हैं अपने कैरेक्टर को. आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हिम. ट्रेन का मोमेंट नहीं हो सकता.